लोकसभा चुनाव 2019 मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वो शिकस्त देखी जैसी दशकों में नहीं मिली। भाजपा ने न सिर्फ अपनी पिछली सभी 27 सीटें जीती बल्कि गुना को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से झटक लिया। गुना में भाजपा कैंडिडेट 1,23,000 वोट से जीते हैं। इस उम्मीदवार का नाम है केपी यादव। ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे तो काफी वक्त यूपी में रहे। गुना में उनका प्रचार उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ने संभाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलेगा ये प्रश्न कभी था ही नहीं। जब भाजपा की तरफ से इस सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई तो सब हैरान थे। ये नाम था कृष्णपाल सिंह उर्फ डॉक्टर केपी यादव का। वहीं केपी यादव जो कभी सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि होते थे और साल भर पहले ही भाजपा में आए थे। केपी यादव की सिंधिया के साथ खूब सारी तस्वीरें हैं। इन्हीं में से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और केपी यादव गाड़ी के बाहर से सेल्फी ले रहे हैं। सिंधिया यूपी के दौरे पर रहे और जब आखिरी हफ्ते में लौटे तो बहुत देर हो चुकी थी। गांव में मोदी लहर का असर रहा और केपी यादव उसी शख्स को हराकर सांसद बन गए जिनके वो सांसद प्रतिनिधि थे। एक बार शिवराज ने एक सभा में केपी यादव को विभीषण बताकर कहा था कि अब भाजपा लंका फतेह कर लेगी। गुना सीट सिंधिया परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। 3 पीढ़ियों से सिंधिया घराने का कब्जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजय राजे सिंधिया और पिता माधवराव सिंधिया ने जीत कर इतिहास रचा था। विजय राजे सिंधिया 6 बार, पिता माधवराव सिंधिया 4 बार और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी 4 बार गुना लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। भाजपा के कृष्णपाल सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पसीने छुड़ा दिए। फिलहाल केपी यादव ने एक अकल्पनीय जीत दर्ज की है। अब बात करते हैं केपी यादव की, तो केपी यादव का परिवार लंबे समय से राजनीति में है। उनके पिता रघुवीर सिंह यादव 4 बार गुना जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। 2004 से केपी सक्रिय राजनीति में आए, सिंधिया के खास हुए, सांसद प्रतिनिधि भी बने। अब विधायक बनने की बारी थी। महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के निधन के बाद मुंगावली से उपचुनाव की बारी आई।